हेलो भाई, सभी को क्या हाल है। तो भाई मानी भाई, टाइम क्या हो रहा है, टाइम बता भाई। टाइम 2:11। तो भाई अभी रात के बज रहे 2:11। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं खाटू श्याम जी जा रहा हूँ, ये मेरा मुंटी भाई है। तो कंटिन्यूस ट्रैवल करने के बाद अभी हमने रेवाड़ी पार भी नहीं किया, रेवाड़ी के अंदर ही अभी बस राजस्थान टच करेंगे। तो अभी हम हैं NH 8 नेशनल हाईवे पे। मैं हूँ, मुंटी है और मानी है, और दिखाता हूँ मेरे साथ साहिल, ये अपना भाई साहिल है, ये यस, पीछे से लाइट आ रही है, फेस थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। इधर हो, ये अपना भाई यश, और ये अपनी ये गाड़ी खड़ी, और वो अपनी दूसरी गाड़ी होंडा सिटी। तो हम दो गाड़ी लेके आए हुए हैं। बोल दे हलवा। हाँ भाई, क्या हाल है साहिल। तो ये NH 8 पे है अभी, ये लोग हलवा खा रहे हैं, मानी भंडारे में से लेके आया था। और वो चाह धरी अपनी भाई, और रोकी भाई भंडारा बांट रहा है, चाहे वो बांट रहा है, हलवा बांट रहा है। तो भाई आगे के ब्लॉग में दिखाते हैं आपको, हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। तब तक के लिए भाई, तो भाई मैं आप लोगों को ना एक चीज दिखाना भूल गया, ये अपने भाई है, ये अपना हुक्का लेके आए हुए हैं। इनको इतनी टूटन है हुक्के बिना तो भाई कहीं भी नहीं चला नहीं जाता इनसे। ये माननी भाई लेके आया हुआ है हुक्का, वो खड़ा वो चाय पी रहा है वहाँ पे, ये इस हुक्के को लेके आया हुआ है। अभी इन्होंने आग वहाँ पे बना दी है और अभी इस हुक्के को ये पियेंगे। हाँ भाई, बिना हुक्के के ना चला जाता, बिना हुक्के के ना चला जाता भाई, नहीं चला जाता। तो ये हुक्के में पानी भरने लग गया है, ये इसका साथी खड़ा ये इसको हेल्प कर रहा है भरने में। अब ये भाई ने ड्राम खोल दिया, अब ये ड्राम खोल के इसमें पानी भर रहा है। भर ले भाई, भर ले। तो भाई आपने ये तो जरूर सुना होगा, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, पर ये भाई खाने के बाद कुछ चरचरा हो जाए। हाँ मुझे पता है भाई, मीठा खाया था ताकि कोई भूत बात ना चिपके रस्ते में, मीठे के बाद चरचरा। ये देख लो भाई, ये खाटू श्याम जी जा रहा है फिर भी इसको भूत बातों से डर लग रहा है। ये अपना मोंटी भाई हुक्का रेडी करते हुए, मोंटी भाई अपने हाथ पूछ रहा है, ओ सॉरी मानी भाई। तो यहाँ पे रुके थे, ये देव दरबार ढाबा है, नेशनल हाईवे 8। ये अपनी होंडा सिटी खड़ी भाई, ये अपनी स्विफ्ट खड़ी। तो इन सब में सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, तो पहली गुट तो मैं ही मारूंगा। पहली गुट लगी भी भाई बन गए। मोंटी है भाई, ये मानी का दोस्त है भाई, ये यस भाई बैठा, वो साहिल भाई बैठा, वो अपनी शिफ्ट खड़ी, ये होंडा सिटी खड़ी है भाई। सिस्टम ला रहे हैं पूरा, हिला देंगे। चलो मिलते हैं आगे भाई। तो भाई हुक्का हुक्का पी लिया, 1.5 घंटे का रास्ता रह रहा अभी भी, तो 1.5 घंटे का रास्ता कवर करना, अभी जल्द से जल्द पहुंचना है वहाँ पे। तो हुक्का पी लिया, अब निकल रहे हैं यहाँ से, फिर दिखाते हैं आगे के ब्लॉग में आपको खाटू श्याम जी, और कराते हैं दर्शन आपको ब्लॉग में ही घर बैठे बैठे। तो भाई हुक्का पी लिया जैसे कि बताया था, तो अब हम निकल चुके हैं। अभी भी यहाँ से देख लो खाटू श्याम जी 110 किलोमीटर दूर है, और अभी हम NH 8 हाईवे पे चल रहे हैं। ये देख लो सामने आपको दिख रहा होगा जयपुर 115 किलोमीटर। ये देखो इस बोर्ड पे देखो, ये देखो भाई जयपुर 115 किलोमीटर है अभी भी। तो पहुंच जाएंगे धीरे धीरे चलते चलते, फिर आगे आपको बाबा के दर्शन कराते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट। अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए करेक्ट। तो गाइस सुबह के 3:44 हो चुकी है, जैसे कि आपको टाइम दिख रहा है, अभी भी हम ऑन द वे हैं। तो अभी भी करीब 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, अभी भी हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं। तो सारी रात ट्रैवल किया आज, कल पूरा दिन मतलब ब्लॉग बनाया, घर पे रहा, ऑफिस का काम किया, सोया नहीं, आज रात को सोया नहीं, कंटिन्यूस चल ही रहा है, कंटिन्यूस ब्लॉग चल रहा है। देख लो गाइस आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें यार, लाइक करें। तो जैसे ही पहुँचेंगे बाबा के दर्शन जरूर करवाएंगे आपको। तो गाइज ब्लॉग में बने रहिएगा, दिखाते हैं आपको आगे। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो गाइज अभी खाटू श्याम जी सिर्फ 55 किलोमीटर दूर रह गया है। ये देखो बाबा की झांकी जा रही है भाई, कितनी सुंदर, नाचते कूदते भक्त जा रहे हैं रात को। ये देखो कितनी सुंदर झांकी है, ये देखो।
दो दो झांकियां जा रही है गाइस, दो दो झांकियां। ऐसे जाते हैं बाबा के दरबार पे, ऐसे नाचते कूदते। 55 किलोमीटर दूर है और देख लो 55 किलोमीटर पैदल जाएंगे ये भक्त। ये देखो ऐसे नाचते गाते हुए। तो भाई ये माया है खट्टू वाले बाबा की, है नहीं मोंटी? ये माया है, देख लो 55 किलोमीटर है यहाँ से और ये भक्त 55 किलोमीटर जाएंगे। जय श्री श्याम, ये जाएंगे 55 किलोमीटर। चलो भाई दिखाते हैं आपको आगे बाबा का दरबार, बाबा का मंदिर, सारी जगह दिखाएंगे आपको इस व्लॉग में। तब तक के लिए भाई अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जय श्री श्याम। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 5:10, अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं, हम सारे ही हैं। ये मानी हुक्के की आग बना के आया है अभी। बढ़िया, अभी चाय बन रही है। हाँ ना ठीक है, इतना भी ना था क्या। चाय बन रही है अभी, चाय पी के बस आधे घंटे का रास्ता रह गया, फिर पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर नहा धोके सुबह दर्शन करेंगे अब, क्योंकि सोना भी है, आराम भी। ये भाई की टाट देख लो, गंजा हो गया अपनी पिंड में, बताओ। ये कुल्लड़ वाली चाय, बाल खराब हो गए। ये भाई कुल्लड़ वाली चाय पी रहे हैं सुबह 5 बजे श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर है अभी, कुल्लड़ आएगा। ले आओ भैया कुल्लड़, ले आओ जल्दी। ओ भैया कुल्लड़ निकालने लग रहे हैं अभी। ब्लॉगर है बहुत बड़ा दिल्ली का। ये भैया कुल्लड़ वाली चाय दे रहे हैं। ये देखो भैया कुल्लड़ को गर्म नहीं किया आपने, गर्म करके देते हैं चाय की भाप। बढ़िया बढ़िया, फेमस कर देगा तेरे। ये चाय की भाप देख लो भाई, कुल्लड़ वाली चाय मस्त रखी भाई। चाय पिएगा, पियो भाई चाय पियो। तो भाई रोकी भाई ने ऑर्डर किया है नमक पारे प्लस पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी तो यही खाऊंगा, हम तो यही खाएंगे भाई नमक पारे। भाई बढ़िया चाय बनाई है दोस्त, बहुत बढ़िया चाय बनी है भाई। ये कुल्लड़ वाली चाय दी है भाई ने, 6 चाय ली हमने, बहुत बढ़िया चाय दी है। ये देख लो भाई सुबह के 6 बजे ये लोग खेतों में से पोटी करके आ रहे हैं। ये मानी भाई आ गया पोटी करके, बोतल लेके हाथ में। कर ली भाई, अरे सो लिया। अभी मोंटी भाई घुसा हुआ है पीछे और ये हमने चाय भाई पी थी यहाँ पे, ये हुक्का पिया था, अब हुक्का खत्म हो गया, अब इसको खाली करके निकल रहे हैं गाड़ी में रख के। सुबह हो चुकी है, सारी रात ट्रैवल किया, सोए भी नहीं है। खाना तो घर से पैक करा के ले आए थे, रस्ते में खा लिया था। ये देख लो भाई खाटू का रोड ये है, अब यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के बाद करीब आधे घंटे का रास्ता हो रहा है, फिर वहाँ जाके आराम करेंगे। आराम करके 1-2 घंटा फिर नहाए धोएंगे किसी धर्मशाला में, फिर फ्रेश व्रेश होके फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, फिर दिखाएंगे आपको आगे बाबा का दरबार। सारी रात ट्रैवल किया, आके देखो कैसी हो गई, पूरे 250 किलोमीटर गाड़ी चलाई आज। तो दिखाते हैं अभी आपको आगे, बस आधे घंटे का रास्ता हो रहा है, आधे घंटे के बाद बाबा के दरबार पे पहुंच जाएंगे। तो मेरे भाइयों बोलो श्याम प्यारे की जय, हरे के सहारे की जय। तो भाई फाइनली गाइस हम लोग खट्टू श्याम जी पहुंच चुके हैं। अभी रास्ता थोड़ा सा ना घुमा के बना रखा है, तो नहीं तो मैं आपको मेन द्वार दिखाता, जो बाबा का मेन द्वार है, पूरा बड़ा द्वार है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये बस के आगे ही है, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट लेके, वहां से पता नहीं रास्ता क्यों बंद कर रखा है। पिछली बार आए थे तब भी बंद कर रखा था, इस बार है, इस बार भी बंद कर रखा है। उन्होंने ना वहाँ पे पार्किंग बना दी अपनी, वहाँ पे उन्होंने अपनी पर्सनल पार्किंग बना दी, इसलिए वो वहाँ पे बैरिकेड लगा के बंद कर रखे हैं। तो देखो भाई ये है बाबा का द्वार, बस 2 सेकंड और दिखाता हूँ आपको। तो देखो भाई ये पहुँच गए, ये पहुँच गए खाटू श्याम बाबा पे, और ये है बाबा का द्वार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यहाँ से मंदिर का रास्ता शुरू होता है, आप चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ, पहले गाड़ी पार्क करते हैं। तो भाई मोंटी भाई साहिल भाई बैग वैग लेके रेडी हो चुके हैं। यस भाई ने भी अपना बैग टांग लिया, मानी के दोस्त ने भी अपना बैग टांग लिया, गाड़ी वाड़ी अपने पार्किंग लगा दी है, ये खड़ी अपनी शिफ्ट। और ये देखो भाई कितनी बड़ी पार्किंग है भाई,
और ये मानी भाई की गाड़ी खड़ी, तो बढ़िया पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग की 50 रुपये है। अगर आप भी खाटू श्याम जी आ रहे हो तो इस पार्किंग में गाड़ी लगा लेना भाई, सबसे सेफ पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं इस पार्किंग में, ठीक है। ये अपनी स्विफ्ट यहाँ पे खड़ी हो गई, अब हम चलते हैं होटल ढूंढने के लिए, फिर नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होएंगे फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। शक्ले तो देखो कैसी हो रही है बिल्कुल हालत खराब हो रही है भाई, भाई वो ना फागुन के टाइम पे खुलती है भाई, मैंने देखा है वो फागुन के टाइम पे खुली रहा है बस, क्योंकि उस टाइम भीड़ ज्यादा रहती है। जब भी बंद रात ने 5 बजे आओगे, जब भी बंद रात को 10 बजे आओगे, जब भी बंद। देख ले भाई अपने तो है ही ऐसे सिस्टम, और ही कुछ है, कोई दिक्कत ना भाई। अरे वाह उसने खुली रहा है भाई, फगड़ में भीड़ ज्यादा रहा, फगड़ में खुला है वाह। तो भाई धर्मशाला इस बार आए, इस बार भी बंद है, पिछली बार आए थे जब भी बंद मिली थी। कोई नहीं अब दूसरा होटल ढूंढ लेंगे, तो चलते हैं नहाने धोने के लिए। तो भैया मिल गए हमें रूम दिलाने के लिए। भैया कौन सा रूम दिला रहे हो? VIP। और आपके पास कौन कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी बताओ। कॉमन एक्सेस। हाँ और उससे पहले क्या बता रहे थे आप? ताता निवायो तातो गरम भाई, सारे रूम है भाई के पास। अगर अगर खाटू समझिया हो तो भाई से कांटेक्ट करना तो भाई तो भाई भाई से बात हो गई है, 500 रुपये में रूम मिल गया है। अभी देखते हैं रूम कैसा है, पसंद आया तो रह जाएंगे, वरना कहीं और ढूंढेंगे। तो देखते हैं सामने ये जो दिख रहा है ना आपको शाम विलास, ये वाला रूम मिला है। तो गाइज ये है अपना AC वाला रूम, हमें 500 रुपये में ये वाला रूम मिला है। नीचे गद्दा बिछा लिया, ये सिंगल बेड है, AC लगा हुआ है, पंखा उनका सही चल रहा है मस्त। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद फिर जाएंगे दर्शन करने, फिर आपको बाबा के दर्शन कराते हैं, तब तक के लिए बाय। तो भाई नहा धो के रेडी हो चुके हैं, मैं नहा चुका, मोंटी नहा लिया, मानी भाई नहा लिया, और साहिल भाई नहा लिया, रोके भाई रह रहा है, सन्नी भाई भी नहा लिया, जा भाई गंजे नहाया जल्दी। तो अभी नहा धो लिए, अब जाते हैं प्रसाद लेने, प्रसाद लेने के बाद फिर जाएंगे सीधे दर्शन करने के लिए। तो अब तक के ब्लॉग में इतना ही, फिर आगे दर्शन कराते हैं आपको, बाय। तो भाई फाइनली रेडी वेडी हो गई है, भाई तो गोवा में आया हुआ है, देख लो गोवा वाले बीच पे। तो नहा धो लिए, मानी भाई अभी तक बाल सेट कर रहा पड़े तो अभी चलते हैं दर्शन करने, पहले प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद फिर दर्शन करेंगे। बहुत लंबी लाइन लगती है तो टाइम लगेगा, अभी दिखाते हैं आपको आगे ब्लॉग में। तो लोग तब तक के लिए फिर से बाय, अब प्रसाद लेते हुए दिखाऊंगा, फिर मंदिर दिखाऊंगा। तो गाइज ये बाबा के मंदिर में भीड़ जाती हुई, ये देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ है आज, सोचा नहीं था कि सुबह के टाइम भी इतनी भीड़ मिलेगी। अभी कितना टाइम हो रहा है मोटी, टाइम बताइए। 8:46। तो टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, 8:46 हुए हैं और अभी देख लो भीड़ कितनी है, और अभी तो पूरा दिन है भाई, बहुत भीड़ रहती है यहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा। तो गाइज हम लोग पहले आए हैं श्याम कुंड के अंदर, ये यहाँ का जो स्नान है वो बहुत पवित्र माना जाता है, तो स्नान तो हमने पहले कर लिया है। हम पहले मतलब वही हाथ मुंह धोने के लिए जा रहे हैं नॉर्मल, तो दिखाते हैं आपको मंदिर आगे। ये श्याम कुंड का मंदिर है, तो भाई फाइनली बाबा का प्रसाद ले लिया है सबने, सॉरी बाबा। तो अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ, मंदिर में बहुत ज़्यादा देर हो रही है। भैया की दुकान से लिया है, अगर खाटू श्याम जी आओ तो भैया की दुकान से प्रसाद जरूर लेना। भैया आप दुकान का नाम बताओ अपनी। हाँ ये बिल्कुल मंदिर के पास में ही है, ये वसीले भवन सामने। हाँ ये भवन देख लो आप, वत्सल्य भवन के पास में। भैया की दुकान से जरूर लेना। चलो अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको बाबा के दर्शन। तो भाई लाइन में लग चुके हैं प्रसाद लेने के बाद, देख लो भीड़। जय 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 बाबा के दरबार पे कितनी भीड़ है। जय भाई, ये है बाबा का मंदिर, इसके अंदर ये देख लो, पहले वहां से जाना होता था, अब यहाँ से जाना कर दिया, अब यहाँ से जाते हैं सीधे।
बैठे हैं हमारी सरकार उस मंदिर में, वही है ना, वहाँ बैठी है हमारी सरकार। ये मंदिर है भाई, आपको दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। वो बैठे हमारे बाबा, तो देख लिया आपने, वहाँ बैठी है हमारी सरकार, हमारे श्याम बाबा। ये बाबा का मंदिर है पूरा, अब तो बहुत सुंदर बना दिया। पहले यहाँ से आते थे, ये रास्ता था पहले सीधा, अब यहाँ से कर दिया। ये बाबा का मंदिर है पूरा, खाटू श्याम राजस्थान। तो गाइस बाबा के दर्शन करके आ गए, तो बताना आपको कैसे लगे दर्शन, पूरे दर्शन कराए अच्छे से। आप पेड़े ले रहे हैं घर के लिए, मानी भाई और रुकी भाई ये पसंद कर रहे हैं पेड़े, पेड़े लेके फिर हम कुछ खाने जाएंगे। ये देख लो, ये खाटू में पूरी भीड़ी भीड़ हो रही है, अब खाना खाएंगे जाके, फिर आगे ब्लॉग में दिखाते हैं आपको, फिर घर निकलेंगे यार, शाम तक घर पहुंचना है। तो भाई बाबा पे प्रसाद चढ़ा के पेड़े वेड़े लेके हम लोग आ चुके हैं आप थोड़ी पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि पेट पूजा भी करनी जरूरी है। तो हमने ऑर्डर किया है कचौड़ी विद आलू की सब्जी और छोला, तो देखते हैं खाटू श्याम जी में कैसा टेस्ट आता है। ये रोक के बैठा है यहाँ पे, ये मानी अपनी पैंट ठीक कर रहा है, बहुत भूख लग रही है यार, कितना टाइम हो गया, रात नाते भूख लगती है, कुछ नहीं खाया, सीधे दर्शन करने चले गए। तो भाई दर्शन तो बहुत मस्त हो गए, आपने तो वीडियो में देख लिया, तो बताना अगर आपको भी दर्शन अच्छे लगे हो तो कचौड़ी खा के फिर थोड़ी देर होटल में आराम करेंगे, होटल में आराम करने के बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए। मौसम सही हो रहा भाई, तो कचौड़ी वचौड़ी खा के हम लोग आ गए अपने होटल में, जो हमने रूम लिया था। ये अपना रूम है, होटल में घुसते ही सामने ये वाला अपना रूम, लो भाई खोलो, ये अपने रूम की चाबी है, खोलो भाई। यस भाई रूम खोल रहा है, लाइट नहीं है शायद, तो गर्मी लगेगी, अब एसी तो चलेगा नहीं। तो भाई ये मनी भाई को देख लो, ये नींद में बॉल हो रहा है, ये सो गया अभी अभी मंदिर से आया, बैठा और दो मिनट बात करी और चित मनी, ओ मनी भाई सुन रहे हो, सो जा गुड नाइट, गुड नाइट। तो भाई रूम वूम खाली कर दिया है भाई, अब निकल लिए घर की तरफ। जाओ भाई, मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया बारिश का, भगवान करे बाबा खाटू श्याम जी बारिश आ जाए, गर्मी ना लगे। बैग वैग टांग लिए, रूम से निकल गए हैं, अब जाते हैं गाड़ी में, गाड़ी उठाते हैं अपनी, चलते हैं फिर घर की ओर। चलो जय बाबा श्याम, चलते हैं भाई। तो जय श्री श्याम भाई सभी श्याम भक्तों को, अभी हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, मौसम भी बाबा ने एक नंबर का कर दिया, ये देखो बादल ही बादल छा रहे हैं पूरे काले, अभी जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो अभी आपको दिल्ली का सफर दिखाएंगे गाड़ी से, तो चलते हैं अभी हम, तब तक के लिए नमस्कार विश्राम बाय बाय। तो यार अभी हम ना श्याम बाबा के द्वार पे फोटो खींचने के लिए रुके थे, ओ टोइंग वाली वो आ गई ट्रक गाड़ी उठाने के लिए, जो ठुल्ले नहीं रखते वो ट्रैफिक वाले रखते हैं, जो वो गाड़ी को नो पार्किंग से उठा लेते हैं टोइंग वाली, यहाँ तो वो गाड़ी में लगाने लग गए, तुरंत हम भागे भाई गाड़ी लेके, नहीं तो गाड़ी उठा ले जाते थाने में जाना पड़ता, बहुत सिस्टम हो जाता, तो हम तो निकल गए भाई। कोई नहीं बाबा, अगली बार अच्छे से करवाना दर्शन और अगली बार और अच्छे से फोटो खिंचवाने यहाँ पे हमारे। तो बाबा अलविदा दो, अभी हम जा रहे हैं आपके दर से घर की ओर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो भाई बाबा से वापस आते वक्त रास्ते में देखो मौसम कितना सुहाना हो रखा है, रोड पे जा रहे हैं बिल्कुल दोनों तरफ जंगल, बीच में रोड, इतना मस्त एक्सपीरियंस है ना यार, क्या बताऊं, मजा आ रहा है रोड पे गाड़ी चलाते वक्त, इतना बढ़िया रोड, क्या मौसम है भाई। बाबा ने एक नंबर के टाइम पे बुलाया है, ए भगवान दोबारा इसी टाइम पे बुलाइयो। तो गाइस अभी तो बस कुछ ही किलोमीटर कवर कराया, अभी तो ये देखो 228 किलोमीटर कवर करना है, 4 घंटे का रास्ता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको दिखाते रहेंगे रास्ते की, जो हम मौज कर रहे हैं रास्ते में। तो मिलते हैं अगली शॉट में, या कहूँ अगली क्लिप में, अगली क्लिप में दिखाऊंगा क्या कर रहे हैं, तब तक बाय। बैठे बैठे सुन लो गए बिल्कुल, इन भाई ने नींद आने लग रही है, और मैंने भाई कल रात से मैं कंटिन्यूस गाड़ी चला रहा हूँ, देख लो मेरे को नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी भाई,
मेरी आंखें भले ही डाउन हो रही है पर मेरे को नींद नहीं आ रही। ये भी सो लिया, मोंटी तो खैर नहीं सोया पर इंसान गाड़ी चलाने में ज्यादा थक जाता है जाके मतलब बैठे बैठे में बैठे बैठे भी इतना थकता भाई। मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ और बैठा भी हूँ, मोंटी तो खैर लेट भी सकता है पीछे सीट पे पर मैं कंटिन्यूस गाड़ी चला रहा हूँ भाई। मजा आ रहा है बहुत, एक नंबर का ट्रिप है। बस प्रियंका को मिस कर रहा हूँ, प्रियंका नहीं है मेरे साथ, अगर वो भी होती तो मजा आता। प्रियंका ये वो लोग देखेगी तो उसको अच्छा लगेगा कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ। चलो गाइस दिखाते हैं अब आपको आगे की क्लिप्स। तो गाइस हमारे साथ लाइक लोन हो गया अब आपने ना टोल टैक्स में 20 रुपए का पापड़ लिया तो भाई उसमें मसाला ज्यादा गिर गया, वो गाड़ी के अंदर गिर रहा था मसाला। मैंने भाई को बोला, साहिल भाई को, बगा भाई खिड़की में से उसको मसाले को बाहर झाड़ दे, पापड़ी उड़ गया, पापड़ी उड़ गया, 20 रुपए भी गए और भूख लग रही थी, वो पापड़ भी गया भाई, दिमाग खराब हो गया भाई। तगड़ी स्टोरी बनेगी भाई, यार आज के बाद पापड़ मच लो भाई, आज के बाद ये पापड़ ना खाओ भाई, पापड़ नहीं खाओगा भाई, चलती गाड़ी में नहीं पापड़ तो खाओगे पर मसाला ना झाड़ू बाहर। चलो गाइस जोक ऑफ अ पार्ट, तो बढ़िया लोन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया बढ़िया। चलो अब आगे खाना खाएंगे फिर आगे कब लोग वहां पे दिखाते हैं आपको। चलो गाइस ओके, तो गाइस फाइनली हम खाटू से ट्रैवल करके अभी खाना खाने के लिए रुके हैं इस जगह पे। खाने की जगह तो ऐसी ही है, आप देखते हैं टेस्ट कैसा मिलता है। ये हाईवे के पास में ही है अपने NH8, अभी भी 2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा पहुँचने में। ये अपना ढाबा है, यहाँ पे हम बैठ के खाना खाएंगे, ऑर्डर दे दिया है। हम आज खा रहे हैं दाल तड़का और शाही पनीर और सिंपल रोटी। तो ये ट्रकों का अड्डा है, जो ट्रक वाले होते हैं ना वो खाते हैं यहाँ पे खाना। ये खाट वाट ट्रक रखी है ऐसे, ये ट्रक वालों का खाना है ये, मतलब ट्रक वाले ज़्यादा आते हैं। हाँ मतलब फैमिली वैमिली वाले मुझे तो लगता नहीं ऐसी जगह पे आते होंगे, फैमिली वाला तो बढ़िया ही जगह देखेगा बैठने की। तो ये देख लो गाइस ये जगह है NH8 पे। गाइस ये खाना हमने बनाया है, ये है दाल तड़का ना, शाही पनीर अभी आ रहा है, ये इनकी सलाद है, ये जग में पानी दे दिया रख के, ये सारा मसाला है अभी ये खाएंगे। तो गाइस फाइनली अपना शाही पनीर और दाल विद रोटीज आ चुकी है, बटर, ये सलाद है, खाना शुरू कर रहे हैं हम। तो भाई रोटी रोटी तो खा ली, फिर वही भाई ओके ओके की टुटन आग उग बना के बैठ गए, गाड़ी अपनी खड़ी है रोड हाईवे पे, तो अपन चढ़े रहे हैं हुक्का पी के सीधा हाईवे पे चढ़े घर। तो भाई रोटी खा के हुक्का पीना बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो हुक्का जला के बैठ गए। मानी भाई का हाथ जल गया यार, कोई ले से देखो, कोई नहीं मानी भाई होता है इतना। मानी भाई ने कितनी हार्ड मेहनत करी है हुक्का जलाने के लिए। चलो अब गाड़ी में बैठ के जाएंगे, पहले हुक्का पी लेते हैं, हुक्का पी के फिर अपने निकलेंगे, फिर दिखाते हैं आपको आगे। तो गाइज अभी 3:50 हो चुके हैं, यानी कि 4 बजने वाले हैं, और देख लो अभी भी 86 किलोमीटर और 1 घंटा 44 मिनट का रास्ता अभी भी है दिल्ली का, शाम होने वाली है, कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे हैं। खाना खाने के बाद नहीं रोकी गाड़ी, बस वो वहीं पे उक्का उक्का पिया था, खाना वाना खाया था, उसके बाद कंटिन्यूस चल रहे हैं। भाई नींद भी आ रही है बहुत गंदी और थक भी गए हैं, तो घर जाते मैं तो पकड़ूंगा खाट। ऐसे मौसम देखो भाई कितना गजब हो रहा है ना, व्यू कितना बढ़िया है हाईवे का। ये नेशनल हाईवे 8 है भाई, सबसे बेस्ट हाईवे। तो भाई रास्ते में मैं थोड़ा सो गया था, इसलिए मैं आगे का रास्ता आप लोगों को दिखा नहीं पाया। तो हम लोग मानेसर में थोड़ी देर रुक के चाय पी थी, तो उसके बाद मैं थोड़ा टायर्ड था तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो भाई मानी भाई थक गए थे थोड़ा, तो मैंने मानी भाई की गाड़ी ले ली चलाने के लिए, और यश भाई मेरी गाड़ी चला रहा है, वो मेरे पीछे है। तो अब तो हम पहुँच गए घर पे, बस 5 मिनट का रास्ता और है। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि बहुत थक गया हूँ यार, अब हिम्मत नहीं होगी आगे का व्लॉग शूट करने की। तो प्लीज़ इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें खाटू बाबा के दर्शन हैं, तो जो आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं जा सकते वो इस व्लॉग के थ्रू दर्शन कर सकते हैं। और ज़रूर बताना यार व्लॉग कैसा लगा। तो बाय बाय गाइज, एंड सपोर्ट दिखाना यार ज़रूर प्लीज़। चलो बाय बाय।